से सहाबा बिल तैयार किया था और नामूस सहाबा बिल पर 120 आदमियों के दस्तखत हो चुके थे। अगर वो बिल पास हो जाता तो आप समझते हैं कि आपकी हैसियत क्या होती। उस बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ा कीजिए इन बातों को। उस बिल के अंदर ये था कि जो शख्स खुलफा का मुनकर हो उसको 80 कोड़े लगाए जाए। मैं मुनाजरा नहीं पढ़ता हूं माजरत के साथ, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। मैं अलेलेनान कहता हूं कि मैं खुलफा की खिलाफत का मुनकर हूं। मैं बेहतरामी नहीं करता, एहतराम करते हुए, एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन अकीदा अपनी जगह पर है। और सिर्फ ये इनकार मैंने ही नहीं किया, आप कहते हैं असाबी कुल्लुहुम अदूल बेइये मुक्तदे तुम बेतदे तुम, साहबी सब आदिल हैं, जिसकी इक्तदा करो जन्नत में जाओगे। मैं इसमें इक्तदा करता हूं साद इब्ने अब्बादा साहब, मशहूर साहबी रसूल की, जिसने आखिर दम तक खिलाफत को तस्लीम नहीं किया था। जो सजा साद इब्ने अब्बादा की तजवीज होगी वो सजा मैं भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। और अगर साद इब्ने अब्बादा सहाबी होते हुए जन्नत में जाएंगे तो मैं उनकी इक्तदा में सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। 120 लोगों ने दस्तखत किए, हमने उन दस्तखतों को हज़्फ करवाया। और जब वो बिल पेश हुआ सेनेट में तो कोई उसका हामी ही नहीं था। आप जानते हैं कि गुज़श्ता स्पीकर ने, वो भी हमारे कोशिशों से और हमारे तआवुन से मुंतखब हुआ था, जब हमारी तरफ से एक ऐलान आया इंतखाबात के सिलसिले में कि पाकिस्तान के तारीख जाफरिया के लोग किसकी हिमायत करें, स्पीकर ने वहीं बैठे कहा कि मैं आज हार चुका हूं। उसे इल्म था कि वो जिसकी जीत हमारी वजह से थी, लेकिन बहरहाल उसने कोशिश की। मुल्ला को उसने प्राइवेट डे जिस दिन होता है मुख्तलिफ पेश होते हैं बिल, उस दिन उठाया, उसने कहा कि आप उठें और बात करें। तीन दफा कहने के बाद चौथी दफा जब उसको बुलाया तो उसने उठकर कहा, जी मुझे मेरे हलके के फंड नहीं मिले हैं। नामूस सहाबा बिल को भूल गया, और मैं समझता हूं कि ऐसा भूला है कि कभी उसको याद भी नहीं आएगा। लेकिन इसके मुतबादिल मैंने नामूस मुस्तफा बिल तैयार करके रखा हुआ था। सहाबा कफश बरदार हैं पैगंबर के, खादिम हैं पैगंबर के। अगर सहाबा की तौहीन के हवाले से कोई कानून इस मुल्क के अंदर पास होगा तो पैगंबर के आबा व अजदाद की नामूस के खातिर भी बिल पास होना चाहिए। अगर पैगंबर के कफश बरदार की तौहीन की सजा होनी चाहिए तो पैगंबर के आबा व अजदाद के तौहीन करने वालों को भी इससे बढ़कर सजा मिलनी चाहिए।